हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी उन्हीं से होगी, जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन का नाम आपके दिमाग में है इस वक्त, जिसका विचार आपके मन में है, क्या उसी पर्सन के साथ आपकी शादी पॉसिबल है या क्या उन्हीं के साथ होगी या नहीं होगी, तो हम देखेंगे, चेक करेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और कोई स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन हाँ, किसी किसी के साथ एक्यूरेटली भी रेजोनेट हो सकती है। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे कुछ सेकेंड्स दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, एंड इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड सी, लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी। नाइन ऑफ वैंड्स इज द फर्स्ट कार्ड वी हैव। सेकेंड कार्ड इज, ओ माई गॉड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी। थैंक गॉड, मुझे बस ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स ही देखने थे, क्या हैं, कैसे हैं। सन कार्ड, आप जो लोग काफ़ी टाइम से रीडिंग्स देख रहे हैं, दूसरे चैनल्स पर भी देखते रहते हैं, उनको पता होगा सन कार्ड टैरो डेक में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सबसे पॉजिटिव कार्ड है। द एम्परर, ओ माय गॉड, देखिए ये जो सिचुएशन है ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है और एडवेंचरस भी है। बहुत लवी डवी रोमांटिक नहीं है ये, प्यार तो व्यूअर्स जुनून वाला लगता है। चलिए बताते हैं, जिस पर्सन के लिए भी आप सोच रहे हैं कि क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनके कुछ ट्रेट्स बता देती हूँ, उनके कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, कैसी पर्सनैलिटी है। समवेयर देखिए, वो इंसान हो सकता है थोड़ा गुस्से वाला है, फीमेल मेल कोई भी है, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है और थोड़ा सा एटीट्यूड का इश्यू होगा। वो एटीट्यूड अंदर से जीते नहीं है कि अंदर से फील ही ऐसा करते हैं कि ये मुझसे कम है या ये मेरे आगे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, अंदर से नहीं जीते उस एटीट्यूड को, सिर्फ बाहर से प्रिटेंड करते हैं। तो उनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड का इशू हो सकता है, जिसको ईगो ईगो कह सकते हैं, कि ईगो है थोड़ा, और काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, मतलब ज़्यादा किसी के आगे ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सबमिसिव नहीं है किसी के आगे, ज़्यादा सरेंडर नहीं करते किसी पर्सन के लिए, या ज़्यादा किसी के आगे सबमिसिव नहीं है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करते, अप्रोच नहीं करते, चेज नहीं करते ज़्यादा किसी को, चाहे कुछ भी फील करें अंदर। तो काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए इनकी प्रायोरिटी है ऐसा लगता है, और साथ ही साथ थोड़े गुस्से वाले हैं या गुस्से वाली हैं, और ऐसा लगता है कि अपनी बात को लेकर ना थोड़े ज़िद्दी टाइप की पर्सनालिटी है इनकी, कि जो मैंने कह दिया हाँ मुझे वही करना है, मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, या मैंने मना कर दिया तो कर दिया बस, या मुझे नहीं सुनना तो मुझे नहीं सुनना। तो एक ज़िद्द वाली पर्सनालिटी है इनकी, वो अच्छा है नहीं है वो तो आप डिसाइड करिए, लेकिन एक ज़िद्दीपना है या ज़िद्दीपन है। ओके, और थोड़ा सा पावर फ्रीक या थोड़े से डोमिनेटिंग। अब डोमिनेंस ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती लोगों से अपना कहाँ मनवाना, लेकिन पर्सनालिटी ही ऐसी है कि एक लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, और उस वजह से चीज़ों को लीड करना नेचुरल है इनके लिए। कोई बात हो रही है, कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है तो वहाँ लीड करना, कुछ प्लान हो रहा है तो वहाँ लीड करना नेचुरल है इनके लिए। तो एक तरह का कंट्रोल या एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर आपको दिखेगी, कि बात मनवाना चाहते हैं ज़रूरी ऐसा नहीं है, लेकिन पर्सनालिटी ही ऐसी है कि इनकी बात सुनी जाए, मानी जाए, या सब गौर से सुने, देखें, ध्यान दें। तो पर्सनालिटी कुछ ऐसी हो सकती है। हो सकता है कि ये किसी अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है इन्होंने लाइफ में, किसी अच्छी पोस्ट के लिए, जैसे अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट जो होते हैं, या किसी गवर्नमेंट अच्छी सर्विस के लिए, या लाइक कोई प्रोफेशन भी अगर इन्होंने परस्यू करना चाहा है तो वो भी कोई अच्छा प्रोफेशन है, कोई बहुत ही रिस्पेक्टेड और अप्रिशिएटेड प्रोफेशन ऐसा कुछ है। काफ़ी ऐसा लगता है कि अगर ये अभी अपनी लाइफ में किसी ऐसे पोजीशन पर नहीं पहुंचे हैं, तो इनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो किसी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर है, या किसी अच्छे प्रोफेशन में है जहाँ बहुत रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है। ओके,
तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर ये चीज़ें आपके मेल फीमेल जो भी पर्सन है उनसे रेजोनेट नहीं करती हैं, मैच नहीं करती हैं, तो चांसेस कम है कि ये रीडिंग रेजोनेट करे आपसे, लेकिन फिर भी आगे जो मैसेजेस आएंगे हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए अब मैं बोलती रहूँ कि नहीं देखो देखो और ये मैच नहीं कर रहा है डिस्क्रिप्शन पूरा आपसे, तो फिर आपका भी समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, अगर ये आपके पर्सन की पर्सनालिटी से थोड़ा बहुत मेल खाता है तो सुनिए। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि जैसे ये जो पर्सन है ये रही आपसे आपके साथ शादी की बात, तो वो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत केओस होगा, बहुत ड्रामा होगा, सिचुएशंस बहुत ड्रामेटिक हो जाएंगे, क्योंकि ये गुस्से वाले हैं, इनका मन से मान लेना कि हाँ मुझे शादी करनी है और फिर उस चीज़ के लिए स्टेप्स लेना, एफर्ट्स लेना, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। ये डिफरेंस टाइम का भी हो सकता है कि जैसे मन में सोच लिया कि इनसे करनी है, लेकिन अब ईगो साइड में नहीं हो रहा है, ईगो को हटा नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग है तो किसी भी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर ये मन में ठान भी लें ऐसा कि इनसे आपको शादी करनी है या आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा सोच भी लेंगे तो वो भी टाइम जाएगा। और ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये सिर्फ केवल इनकी वजह से ही नहीं होंगे, अगर इनकी वजह से हुए जितने थोड़े बहुत इश्यूज तो वो होंगे, लेकिन फिर इनकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा इमेज कॉन्शियस है, इनको परवाह है अपनी इमेज की। जैसे हम जब किसी से प्यार करते हैं या तो जनरली ऐसा है कि हम लोगों की ज़्यादा चिंता करना बंद करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये जब भी आपके प्यार में पड़े हैं, जब भी ये ऐसा सोचेंगे या ऐसा नहीं है कि सोचेंगे नहीं, ऐसा विचार उनके दिमाग में डेफिनेटली आएगा कि आपसे शादी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जितने इमेज कॉन्शियस हैं वो उस चीज़ को भी साइडलाइन नहीं करेंगे, जैसे ईगो साइडलाइन नहीं कर पाएंगे, आसानी से करेंगे लेकिन आसानी से नहीं। जैसे होते हैं ना कि कुछ शादियां तो होती हैं लेकिन बड़े क्या कहते हैं बड़े ड्रामा के बाद होती हैं, बड़े केओस के बाद होती हैं, तो वैसा ही लगता है मुझे यहाँ पर ना, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत सारे लोग आप लोगों को दूर करेंगे, अलग करेंगे, ये इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड सर्कल के या रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो काफ़ी यू नो आप क्या कह सकते हैं, क्लेश, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और ये फाइट्स, ये हो सकता है, रुकावटें बहुत आएंगी, चैलेंजेस बहुत आएंगे, पर फिर भी मैं खुश हूँ खुश हूँ आपके लिए, खुश नहीं हूँ, खुश हूँ ये सन का कार्ड देखकर कि आप लोगों की लाइफ में आगे जाकर खुशियां हैं। ये इंसान की पर्सनालिटी भी ट्रांसफॉर्म होगी, या मेल फीमेल जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी स्टेप्स नहीं ले पाएंगे या कभी कन्फेस नहीं कर पाएंगे या हमेशा ईगो एक इशू रहेगा, नहीं, दे विल टेक स्टेप्स, दे विल अप्रोच यू, दे विल कन्फेस यू, लेकिन दीज थिंग्स विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पर आगे आप लोगों का फ्यूचर साथ में ब्राइट है, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अबव 70% चांसेस हैं कि यहाँ पर आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर है साथ में, पर उससे पहले स्ट्रगल काफ़ी है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं, लुक एट दिस, लुक वाई एम आई लाफिंग, क्योंकि मुझे ये सिनेरियो देखकर हंसी आ गई कि ये पर्सन है ऐसे इतने जिद्दी, थोड़े से एक यू नो झगड़ने वाले या गुस्सा करने वाले, ऐसे एंगर इशू है, अग्रेसिव, या फीमेल हैं तो भी काफ़ी मतलब ईगोइस्टिक हैं या काफ़ी गुस्सा करती हैं या जिद्दी हैं, तो जब ये ट्रांसफॉर्म होकर आपसे प्यार करेंगे या आपसे शादी करना चाहेंगे या चाहेंगी, जब बदलाव आएगा वो, जब इनके ऐसे गुस्से को इनको साइडलाइन करना पड़ेगा, ईगो वीगो को सब हटाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्यार के आगे हथियार डालने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, सरेंडर करना पड़ेगा, तो तभी है ये ब्राइट फ्यूचर। आप लोगों का ऐसा नहीं है कि बहुत रोमांटिक लवी डवी कनेक्शन बना रहेगा, यहाँ पर ना ऐसा होगा ये टॉम एंड जेरी वाला कनेक्शन, लाइक जैसे टॉम एंड जेरी तो फिर भी लेस अग्रेसिव हो गया, ये ऐसा रहेगा कि आप लोग एक दूसरे के दूर नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे, और जब पास रहेंगे तो फिर थोड़ा बहुत यू नो अनबन, थोड़ा बहुत सुनाना सुनना, थोड़ा बहुत पुश एंड पुल चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आगे जाकर आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, खुशियाँ हैं, शादी के चांसेस हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के भी चांसेस हैं, आगे जाकर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, एक
एक हैप्पीनेस का एहसास होगा, आप दोनों के लिए ही वो कनेक्शन बहुत ब्राइट बहुत हैप्पी होगा, पर उससे पहले ना ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इनकी कुछ तो इनका मन और ईगो इश्यूज जो मैंने कहा भी है, कुछ इनकी लाइफ सिचुएशंस ऐसी होंगी जो इनको बहुत रिस्ट्रिक्ट करेंगी। लुक एट दिस इमेज, यहाँ पर चारों तरफ तलवारें हैं और ये पर्सन बीच में खड़ा है, हाथ भी बंधे हुए हैं, आंखें भी कवर्ड हैं। इसका मतलब ये है बीच में समय ऐसा आएगा कि बहुत स्टक हो जाएंगे। फैमिली वाले इनके कुछ और कहेंगे या कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी इनको किसी और चीज़ के लिए पुश करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, इनकी जिम्मेदारियाँ कुछ और कहेंगी इनसे, इनका इनका यू नो लाइफ के कंडीशंस ऐसे होंगे कि ये स्टक फील करेंगे कि मैं करूं क्या। अब मैंने सोच तो लिया है कि मुझे करनी है शादी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर या इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस, या मैं ऐसे स्टक हो चुका हूं या हो चुकी हूं। तो ये ऐसे स्टक भी हो जाएंगे, आपको बीच में लग भी सकता है कि शायद इंसान नहीं कर पाएगा शादी, नहीं कर पाएंगी, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये स्टक तो रहेंगे लेकिन फिर फ्री हो जाएंगे। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि ये इंसान एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है इनकी फैमिली या आपकी फैमिली, जैसे जैसे इनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो दादाजी परदादाजी होते हैं, या इनके फादर भी बहुत थोड़ा फार्मिंग लैंड हो सकता है, बहुत नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा फार्मिंग लैंड हो सकता है, या किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं पास्ट में, करंटली भी हो सकता है फार्म्स वगैरह, या फिर पास्ट में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहा है, या ये सेम बात आपके परिवार के लिए हो सकती है कि आपके पास कोई फार्म्स या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, अभी भी फार्म्स वगैरह हो सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो इंसान है, जब इनका हृदय परिवर्तन होगा, ये अपने गुस्से को साइडलाइन करेंगे, ईगो को साइडलाइन करेंगे और प्यार के लिए स्टेप्स लेना शुरू करेंगे या प्यार के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, तो व्यूअर्स इनकी काया पलट हो जाएगी। लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या वही इंसान है जो इतना ईगोस्टिक था, या इनके साथ इतना इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं भाव खाते थे ज़्यादा, या खाती थी, या इतना घमंड था, अब क्या हो गया इस इंसान को, ये तो पूरा बदल चुका है। तो यस, ये चेंज होंगे, आपके लिए टफ फाइट भी करेंगे या करेंगी, लेकिन मैंने कहा ना इस सब में लगेगा समय, लेकिन क्या दे रहा है दोस्त है, लेकिन आगे जाकर चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगी, क्योंकि ये इंसान ट्रांसफॉर्म होगा और लिटरली आपके लिए ही होगा या आपके लिए ही होंगी। यस, मुझे ऐसा लगता है इनकी फैमिली में ना ऐसा है कि झगड़े बहुत होते हैं, या इनकी फैमिली में एक दूसरे को कंट्रोल करने का ऐसा चलता रहता है कि मेरी बात मानो नहीं, आप मेरी बात मानो, मेरा सुनो, ऐसा कुछ चलता रहता है। तो इस वजह से इनकी घर पे लड़ाई होती है या होती होगी ज़्यादा, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे। यस, और इनकी फैमिली ना इनको रिस्ट्रिक्ट करना भी जानती होगी, इनको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनको कोई बहुत लंबे समय तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। जो ऐसी पर्सनैलिटी का इंसान है, आप उसे कसमें वादे देकर, प्रेशराइज करके, गुस्सा करके, परिस्थितियों में बांध के लंबे समय तक नहीं बांध सकते। जैसे किसी स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को रूम में बंद किया है या चेयर पे बांध के रखा है, तो जिसने बांधा है वो भी सबसे ऐसा ही बोलता है कि ज़्यादा समय तक मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, जो करना जल्दी करो। तो उसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन इतना स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी है कि उसको बांध के रख पाना या थाम के रख पाना लंबे समय तक नहीं पॉसिबल है। जैसे किसी बाढ़ को डैम रोकने की कोशिश करें तो कहाँ हो सकता है, ऐसा नहीं। तो बस वैसे ही कोशिशें तो बहुत की जाएंगी रोकने की, रुकावटों की, लेकिन वो रुकेंगे नहीं ऐसा लगता है। आगे और हम क्लैरिफाई करते हैं। आई नीड द स्टैक, क्योंकि जितना पैशनेट कनेक्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी साइंस कवर हो जाएंगे, फिर भी मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर फायर ज़्यादा है। ओके, फायर। आपको ऐसा लगेगा व्यूअर्स, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपको इनके ईगो की वजह से या इनके ऐसे बिहेवियर की वजह से ऐसा फील होगा कि इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, यहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं। यू नो ऑलमोस्ट आप अपने मन में गिव अप कर चुके होंगे ऐसा लगता है इस पर्सन के लिए, अगर आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं तो। लेकिन फिर भी ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि जिस इंसान से आपकी शादी हो रही है वो इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस के, आपके सोच के, आपके इमेजिनेशन के परे होगा। यानी कि जो आप इनको लेकर एक जजमेंट क्रिएट करेंगे, जो इनको लेकर आप एक इमेज बनाएंगे, जो इनको लेकर आप अज्यूम करेंगे,
उसके विपरीत निकलेगी इनकी पर्सनालिटी। तो यस, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा भी आपने लिस्ट प्रिपेयर किया है, जैसी भी आपने लिस्ट प्रिपेयर की है, जो भी सूची बनाई है अपने होने वाले साथी के लिए, वो उससे मिल नहीं खाएगी इनकी पर्सनालिटी। तो बनाते रहिए आप लिस्ट। ओके, या यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे जैसे इनको अपने हृदय में, अपने दिल में आपके प्रति प्यार, सम्मान, अपनापन रियलाइज होता जाएगा, जितना ज़्यादा अटैचमेंट, अट्रैक्शन इनकी तरफ से बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं ये अपने बिहेवियर के लिए सॉरी फील करेंगे। यस, तो अगर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं या कुछ कुछ एंगर वगैरह, डिसरिस्पेक्ट कुछ भी इनसे हुआ है, तो जैसे जैसे इनका अट्रैक्शन, अटैचमेंट आपके प्रति बढ़ रहा है या बढ़ता रहेगा, इनको ये रियलाइज होगा और कि इन्होंने गलत किया था, गलत बिहेव किया, और अंदर ही अंदर ये काफ़ी सॉरी फील करेंगे भी। यस, यस, हो सकता है ये अपोलोजाइज भी करें, जो कि मैंने कहा लंबा समय जाएगा, लेकिन हो सकता है ये इंसान अपोलोजाइज भी करे। और मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि फाइनेंशियल इश्यूज फैमिली क्रिएट कर सकती है। आई डोंट नो, ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है, क्योंकि एक तरीका दूसरे इंसान को बांधने का फाइनेंसेस भी होते हैं, तो फाइनेंशियल इशू फैमिली की तरफ से क्रिएट हो सकता है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लाइफ में आगे आ सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रगल्स और बैटल्स और फाइट्स बढ़ जाएंगे। तो एक फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं यहाँ पे, जिसके लिए भी आपके पर्सन को प्रिपेयर रहना पड़ेगा या मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा लगता है। ओके, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, यहाँ पर एडवेंचर और ये सब बहुत है, ऐसे इधर अप्स एंड डाउन्स, एक रोलर कोस्टर राइड है ये पहले का समय, उसके बाद तो आपकी लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, ब्राइट फ्यूचर है। ओके, मैं यहाँ पर फायर साइन देख रही हूँ, एयर साइन देख रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है व्यूअर्स, चाहे आपका या आपके पर्सन का कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर मुझे जो इम्पॉर्टेंट डेट्स दिख रहे हैं वो है 8/18/24/14/24/9/19/29/5/15/25, ओके 11/21/31/1, ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, एंड 10/20/30 ऑल्सो। तो आपका जन्मदिन हो सकता है इस तारीख में, या आपके पर्सन का ये डेट इम्पॉर्टेंट किसी और वजह से हो सकती है, मिले थे आप लोग या कुछ हुआ था उस दिन ऐसा स्पेशल, तो यस ये डेट रेलेवेंट हो सकती है। आइए चलिए देखते हैं कि उनके नाम में, स्पेशली उनके नाम में और आपके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। उनके नाम में और आपके नाम में, सो के एच, काफी सारे अल्फाबेट्स हैं, जी ए, ई, यू, V, X, Z, N, R. So R, N, Z, X, V, U, E, A, G, K, H. ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं, स्पेशली हमने ये उनके नाम के लिए निकाले हैं। ओके, या आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके सिचुएशन से कितने परसेंट रेजोनेट करती है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।